हमारे तेलंगाना से हैदराबाद से सिलेक्शन इनका हुआ है मिस्टर एशिया और मिस्टर वर्ल्ड के लिए। तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 साल से बॉडी बिल्डिंग में है और तकरीबन 4.5 साल हुआ है। ये हमारे सौसन रेलवे के एम्प्लॉय हैं, हमारे जूनियर हैं। ये इनको सब तमाम लोग सपोर्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है। अभी अभी आप लोगों को मालूम है कि इनके वालिद साहब हॉस्पिटलाइज थे, अभी अभी डिस्चार्ज होके आए हैं। तो हम तमाम लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो वो जाके वहाँ पर मेडल लेके आ सकते हैं। और इंडिया से ये और हैदराबाद से ये पहला मौका, दूसरा मौका है जबकि संतोष कुमार ने मिस्टर एशिया के लिए 2009 में आपका सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद देखिए आप तकरीबन 7 साल तक 8 साल तक कोई भी बॉडी बिल्डर का हमारे हैदराबाद से सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये सेलेक्ट होके जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह में 4 घंटे, शाम में 4 घंटे, 8 घंटे की ये प्रैक्टिस करते हुए हेवी डाइट ये मेंटेन कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है इनके बॉडी के परफॉर्मेंस के हिसाब से कि ये दोनों जगह पर मेडल हासिल करेंगे। मैं मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि उन लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और वो कुछ नहीं कर सकते लेकिन एक बॉडी बिल्डर को सपोर्ट तो कर सकते हैं, का मतलब ये है कि खुद बॉडी नहीं बना सकते लेकिन एक बॉडी बिल्डर को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया को एक मेडल आएगा। तो अगर इंडिया को मेडल आएगा तो तमाम लोग खुश होंगे। जीत के आने के बाद तो तमाम लोग आते हैं साहब, जीत के आने से पहले अगर आप बॉडी बिल्डर को सपोर्ट करेंगे तो ये वो अलग सपोर्ट होगी। जीत के आने के बाद तो आप लोग देखते हैं कि सिंधु को भी सपोर्ट मिलता है, सिंधु को भी मिलता है, साइना नेहवाल को मिलता है, सभी स्पोर्ट्समैन को जीत के आने के बाद सपोर्ट मिलता है। मैं ये चाहता हूँ और गवर्नमेंट से भी ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा भी जा रहा है, जीत के आने से पहले आप सपोर्ट कीजिए, देखिए फिर उसके बाद इंडिया के लिए, हैदराबाद के लिए ये ऐसा नाम कमाएंगे, कई मेडल ये जीत के आ सकते हैं। और हमारे बीच दूसरे बॉडी बिल्डर्स भी मौजूद हैं, संतोष कुमार ने मेडल हासिल किया, इनके अंडर में कई बॉडी बिल्डर्स तैयार हो रहे हैं। ये अपनी जॉब को अपना टाइम देते हुए उसके बाद जिम में टाइम देते हैं और कई मिस्टर इंडिया आपके हाथ पे तैयार हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डर्स को सपोर्ट मिले, एक एकेडमी, बॉडी बिल्डिंग एकेडमी के लिए हमको जगह दें तो देखिए फिर उसके बाद कितने बॉडी बिल्डर्स हैदराबाद से इंडिया से तैयार हो सकते हैं। और मेरा एक मैसेज है, मैं ये देना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि आप लोग आगे बढ़ें, बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करेंगे तो तमाम बुराइयाँ, जो ख़राब चीज़ें हैं वो कम नज़र आएंगी आपको। जैसा गुटखा खाने का शौक़ है, सिगरेट पीने का शौक़ है, नशा लोग कर रहे हैं, हुक्का पार्लर्स, ये तमाम बुराइयाँ अगर बच्चा डिसिप्लिन में आ जाएगा, जिम की तरफ आएगा, बॉडी बिल्डिंग की तरफ आएगा तो ये तमाम चीज़ें रुक जाएंगी और हैदराबाद में होनहार नौजवान आप लोगों को नज़र आएंगे। अनवर है, मैं एशिया और वर्ल्ड के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ, मिस्टर मिस तेलंगाना से अकेला पर्सन हूँ, 7-8 सालों के बाद पहला पर्सन हूँ मैं तेलंगाना से मिस्टर एशिया को, मिस्टर वर्ल्ड को सेलेक्ट हुआ हूँ। और मैं जो है ना 10 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैं संतोष अन्ना और मधुश्यामल भाई के अंडर में मैं ये वर्ल्ड एशियन चैम्पियनशिप के ट्रेन हो रहा हूँ और जो है ना मंथली जो है 80 से 90 हज़ार खर्च हो रहा है और एशियन चैम्पियनशिप वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मेरे 6 से 8 लाख का खर्च हो रहा है। कोई भी हेल्प करना चाहे तो बेहिचकिचार हेल्प कर सकते हैं और गवर्नमेंट से उम्मीद है कि मैं इंडिया को मेडल लेके आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, ये उम्मीद करता हूँ मैं। इंडिया का केशियर साहब से रिक्वेस्ट है कि मुझे कुछ गवर्नमेंट से हेल्प मिल जाए।